बड़ी खबर आ रही है जब से उत्तराखंड के हल्द्वानी में जो ये मामला पेश आया था मदरसे को तोड़ने को लेकर, बड़ा वहां पर हंगामा हो गया था। लोगों को देखते ही गोली मारने के ऑर्डर दे दिए गए थे। लेकिन अब एक और दूसरी बहुत बड़ी खबर आ गई है कि उस जैसे कि वहां पर एक मदरसे को और मस्जिद को तोड़ने के लिए वहां पर पहुंची थी पुलिस, तो उसी के बदले में, या फिर लोग बता रहे हैं जैसे कि उसी के बदले में दिल्ली में 4 मंदिरों को तोड़ दिया गया है। और अब एक तरह से जो मुसलमान हैं वो इस चीज को दिखा रहे हैं काफी कि उसके बदले में ऐसा हुआ है। मतलब मैंने अभी ये खबर देखी थी, तो इसके बारे में कुछ बताइए, क्या उसी के बदले में इसको तोड़ा गया है या फिर इसमें कुछ और राज छिपा हुआ है? क्या इसमें भी जो प्रशासन है उसने लोगों को भड़काने के लिए ये कुछ इसमें साजिश की, कुछ बताएं। जी, अतिक्रमण के नाम पर इस वक्त देश भर में जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो हो रही है। हालांकि बजाही देखने में यही लगता है कि जो मुस्लिम समुदाय के धार्मिक स्थल है, चाहे वो मदारिस हो, मस्जिदें हो, उन पर चलाया जा रहा है। और शायद हकीकत भी यही कि अक्सरियत उन्हीं की होती है। लेकिन अब जो खबर सामने आई बड़ी चौंकाने वाली है। दिल्ली के संजय वन क्षेत्र में यानी 16 जगहों पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई और इनमें यानी जो 4 मंदिर है उनको भी बुलडोजर ने निशाना बनाया है। अच्छा, दिल्ली में 4 मंदिरों को तोड़ दिया। जी, इनमें जो 4 मंदिर है, 2 शिव मंदिर हैं, इसके अलावा 1 काली मंदिर और 1 हनुमान मंदिर, तो इन पर बुलडोजर चला है। इसके अलावा एक मालवीय नगर में था वाल्मीकि मंदिर, उस पर भी बुलडोजर चला है। तो इस तरीके से 4 से जो 5 जो ये मंदिर हैं इन पर भी बुलडोजर की कार्रवाई हुई है अतिक्रमण के नाम पर। लेकिन सर, मतलब एक किसी ने बताया था, अभी मेरे को सुनने में आया था कि इनमें से एक वाल्मीकि मंदिर था उसको तोड़ दिया गया। तो उसको तोड़ने के पीछे की जो वजह थी वो ये थी कि वो मंदिर था जो वो वाल्मीकि लोगों का था, इस वजह से इस मंदिर को तोड़ा गया। तो इस बारे में कुछ बताएं आप। जी, जो एक खबर आप बता रहे हैं, इस तरह की जो चीज है वो यानी किसी भी रिपोर्ट में तो नहीं दर्शाई गई है कि इस वजह से उस मंदिर को तोड़ा गया है। हालांकि तमाम पर जो कार्रवाई हुई है वो अतिक्रमण के नाम पर हुई है कि सरकारी जमीन पर ये जो मंदिर है वो बने हुए थे। हालांकि ये बताया जा रहा है कि जो मालवीय नगर में जो वाल्मीकि मंदिर था वो 20 साल पुराना था। तो इन मंदिरों पर जो कार्रवाई होना, इससे कहीं ना कहीं यानी जो सरकार है और जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो यही यानी बता रही है के भेदभाव के आधार पर नहीं हो रही है। लेकिन सर, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं ये जो जवाब दिया गया है मंदिरों को तोड़कर, ये जो हल्द्वानी घटना है उसके जवाब में दिया गया है, यानी कि उसके बदले में ये कुछ हुआ है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? जी, इस तरह की भी कोई चीज है वो सामने नहीं आई है। ये लोग अपने तौर से इसको जोड़ रहे हैं, अच्छा, क्योंकि जो उत्तराखंड हल्द्वानी को बिल्कुल एक अलग मामला है अच्छा। और दिल्ली में जो ये बुलडोजर चला है, नगर निगम की जो कार्रवाई हुई है, बिल्कुल अलग मामला है। तो आप एक मामले को दूसरे से नहीं जोड़ सकते जब तक आपके पास कोई पुख्ता सबूत ना हो। जी तो अलग अलग जगहों पर जो कार्रवाई हो रही है वो अतिक्रमण के नाम पर हो रही है। अवैध जो निर्माण बनाया हुआ था, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, या दूसरा कोई पूजा स्थल हो, या कोई इमारत हो, तो इस पर यानी कोई धार्मिक एंगल इनमें इस तरह का सामना नहीं आया है कि इस वजह से कि खास समुदाय का है, ये मंदिर है, मस्जिद है, इस वजह से तोड़ा गया है।